सबसे विश्वसनीय कवरेज आप अविश्वास प्रस्ताव पर देख रहे हैं। विश्वास की बात होगी, अविश्वास पर प्रश्न किए जाएंगे। दूसरे दिन की चर्चा की शुरुआत होने वाली है, लेकिन आज बीजेपी और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही सबसे बड़ा हमला इंडिया पर कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और इसी के साथ वंशवाद, भारत छोड़ो। भारत छोड़ो आंदोलन की सालगिरह पर विपक्ष पर हमला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो वीडियो उन्होंने ट्वीट किया है वो आपको सुना देते हैं। चारों तरफ एक ही गूंज है, करप्शन क्विट इंडिया, यानी भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो, अपीजमेंट क्विट इंडिया यानी तुष्टीकरण इंडिया छोड़ो, डायनेस्टी क्विट इंडिया यानी परिवारवाद इंडिया छोड़ो। आज पूरा देश हर बुराई के लिए कह रहा है क्विट इंडिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्विट इंडिया कहकर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी ने बाकायदा ये वीडियो भी ट्वीट किया है, जिसमें भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, वंशवाद, तीन मुद्दों पर विपक्षी गठबंधन इंडिया को घेरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुनाई दे रहे हैं। आज क्विट इंडिया को लेकर जब उन्होंने ट्वीट किया, महात्मा गांधी का नाम लिया, उन्हें श्रद्धांजलि दी, लेकिन उसी के साथ ये जो हमला है जिसको लेकर अब इंडिया वाले भी विरोध कर रहे हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्र प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए। अभिजीत अंशुल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ घनश्याम तिवारी जुड़ गए हैं, जो समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। अरविंद वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि बात रखेंगे अपनी पार्टी की। अब वो एलजेपी के कौन से हिस्से में, आप लोग समझ ही गए होंगे, लेकिन एनडीए वाले हिस्से में वो हैं। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, देखिए दो तरफ से बड़ी खबरें आ रही हैं। एक तो राहुल गांधी आज पहले वक्ता होंगे 12 बजे, ये बोल दिया गया अधीर रंजन चौधरी की तरफ से, क्योंकि बीते दिन उनकी बैटिंग ऑर्डर को लेकर सस्पेंस बरकरार था। पहले कहा गया था वो पहले वक्ता होंगे, फिर मणिकम टैगोर ने आज कह दिया कि वो तो गौरव गोगोई की जगह नहीं लेना चाहते थे, इसलिए वो आज बोलने वाले हैं। दूसरी तरफ स्मृति ईरानी मोर्चा संभालने वाली हैं, क्योंकि अमेठी में उन्होंने दी थी राहुल गांधी को पटकनी, और आज स्मृति ईरानी बोलने वाली हैं। इसी के साथ अमित शाह, देश के गृहमंत्री, भी 4 बजे के बाद इंटरवेंशन करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर आज जोरदार बहस का दिन है, धुआंधार पारियां खेलने के लिए दोनों ही तरफ के खिलाड़ी तैयार हैं। प्रधानमंत्री ने बीते दिन बीजेपी संसदीय दल की बैठक में कहा था कि इसको आखिरी गेंद पर सिक्सर लगाने का मौका समझिए। जब राहुल गांधी नहीं उतरे, उनकी जगह कोई और उतर गया, तो अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि हमने गुगली मार दी। तो ये परिस्थिति है कि दोनों ही तरफ से 3 दिवसीय अविश्वास प्रस्ताव के मैच पर अपनी अपनी बात कही जा रही है, और भारत जोड़ो आंदोलन पर जबरदस्त मोर्चेबंदी हो रही है। आइए आपको सुनाते हैं ये जो भारत जोड़ो भारत छोड़ो, ये पूरा दोनों ही तरफ से हमला हो रहा है, उस पर रविशंकर प्रसाद ने आज दूसरे दिन की कार्यवाही के पहले क्या आरोप लगाए हैं, और मणिकम टैगोर उस पर क्या जवाब दे रहे हैं, सुनिए। राहुल गांधी जी की पैकेजिंग, रिपैकेजिंग होती रहती है। कांग्रेस के लोगों को तय करना है, लेकिन कभी कांग्रेस के लोग ये विचार करते हैं कि राहुल गांधी की नेतृत्व की क्षमता कितनी है भारत ऐसे महान देश के नेता बनने के लिए? कल हम लोग भी संसद में उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। ये चार का और कांग्रेस पार्टी का है, बीजेपी बीच में क्यों गुजरे ये पता नहीं है। क्यों बीजेपी का सारे चीज में तकलीफ आती है, राहुल गांधी और इंडिया का, दोनों वर्ड का ऊपर बीजेपी परेशान हो जाती है। चलिए अभी राहुल गांधी जी, इसका मूवर गौरव गोगोई थे, और हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन का हम मूवर गौरव गोगोई थे। कॉन्सेप्ट ये था मणिपुर का बारे में प्रधानमंत्री का जवाब चाहिए। राहुल गांधी जी का ये जेनरासिटी का दिखाती है, क्यों मीन्स वो किसी दूसरा लीडर का स्पेस नहीं लेते हैं और दूसरों का अलाउ करते हैं, क्यों मीन्स आप लोग भी आगे आ जाइए करके, ये राहुल गांधी जी का बड़ापन है। कल हम लोग भी संसद में उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि कांग्रेस का ऑफिशियल ट्वीट आया
जन नायक राहुल गांधी बोलने वाले हैं। अब थोड़ा हम लोग आश्चर्य में पड़ गए, संजय जी और हम दोनों लोकनायक जयप्रकाश के सिपाही रहे हैं बिहार में आंदोलन में, तो लोकनायक तो सुना था, अब जननायक एक नया नाम आ गया। तो उनकी और एक ही तो काम बनते हैं, देश के लिए नहीं सोचते, समाज के लिए नहीं सोचते, मणिपुर के लिए नहीं सोचते, खाली राहुल गांधी जी उनके परिवार सबको गाली देना ही इनका फर्ज बनते हैं, और कुछ नहीं आते हैं इन लोगों को, सिर्फ गाली दिया करो और राहुल गांधी उनके परिवार को। इतना क्यों डरते हैं राहुल गांधी जी से, मोदी और मोदी की सरकार, उनके सारे नुमाइंदे, ये मुझे बड़ा आश्चर्य लगते हैं। सबको क्विट इंडिया का, एक हमारे MPs ने एक क्विट इंडिया का रिमेम्बरिंग करते हुए एक कार्यक्रम किया, इतना ही। क्या इतने बहुत बड़ी बात क्या है, सब MP है, बोलना चाहते जो जिसको समय मिलता है उनके पार्टी के तरफ से वो बोल सकते हैं।